देखो भैया सिनेमा घर से केरल स्टोरी वाली पिक्चर उतरी भी नहीं होगी और बाराबंकी जिले कचहरी में घरियाल की स्टोरी मिल गई। ये स्टोरी भैया सुबह सुबह अखबार में हमने देखा, हमने कहा था आपको बता दे, बहुत कायदे खबर छपी थी, तो दैनिक सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और प्यार मोहब्बत करने से पहले दूरी बना लीजिए। दरअसल मामा प्रदेश बाराबंकी जिले का मंगलवार शाम को एक युवक किशोरी को बुरखा पहना करके कचहरी लाया था। कोषागार के पास है किशोरी और लड़की को देख करके वकीलों को शक होता है। वकील साहब पता करते तो पता चला कि जन्म संबंधित कोई प्रमाण पत्र बना है। उस वजह बकदा लड़की का नाम पढ़ा देखा तो लियो भैया दंग रहेंगे कि वाह भैया वाह, यू लड़की तो दूसरा धर्म की है और इसको बुरखा पहना करके यहाँ का कर रहे थे। के बाद होना क्या था भैया, साइरेंस के बाद तो सुना लिया हो गया। कोतवाल साहब पहुंच जाते हैं और सर के कोतवाल साहब पूछताछ करते हैं, फिर बकायदा युवक को अपने साथ हिरासत में ले लेते हैं और भैया कोतवाली लेकर पहुंचते हैं। वहां पर कोतवाली भैया लड़की से पूछताछ होती है। लड़की कहती है कि हम दोनों लड़का लड़की जो है साहब वहां हैदरगढ़ के रहने वाले हैं। अब लड़की के भैया परिजनों पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि देखे साहब हम तो सुबह से अपनी बिटिया को खोज रहे थे, हमारी बिटिया बहुत सीधी साधी है, बहुत नीक है और उसको पहला फुसला करके लड़का लेकर के आए। साहब कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, इस लड़के ने दुष्कर्म भी किया होगा, शारीरिक संबंध भी बनाए होंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए, एप्लीकेशन दिया भैया लड़की के माता पिता ने, पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और जब लड़के से पूछताछ की गई तो लड़के कहना था कि धर्म परिवर्तन करा करके शादी करने का इरादा था, हम बकदा मुंबई जा रहे थे। हमने कहा आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर थी, सुबह सुबह अखबार में छपी थी, अब आपकी कार कमेंट कीजिएगा। प्यार मोहब्बत करने से पहले तनिक सावधान हो जाइए, प्यार मोहब्बत जितनी अच्छी चीज होती है भैया उतनी खतरनाक भी होती है। अब देखो भैया जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही थी, युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की के माता पिता ने एप्लीकेशन भी दिया कि लड़की भैया नाबालिग थी, किशोरी थी, सीधी सादी है, पहला फुसलाया गया। अब आपकी कारण पूछिएगा वीडियो शेखना खत्म करेगा शम्बा साहजी को दबा तो बैलेंस इसका।